जय श्री राम दोस्तों, आज के हम लोग इस लेक्चर में सीखा जाएगा प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड को कैसे बनाया जाता है। तो अल्काइल हैलाइड को बनाने के लिए आपको हम एक ट्रिक बताया था कि सबसे पहले क्या सीखा जाएगा, अल्केन से कैसे बनाएंगे लोग, फिर अल्किन से, फिर अल्काइन से। लास्ट क्लास हम लोग अल्काइन तक पढ़े हैं लोग। आज हम लोग सीखा जाएगा कि अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल से कैसे बनाते हैं लोग, और अल्काइल हैलाइड से कैसे बनाते हैं। मतलब आज हम लोग सबसे पहले सीखा जाएगा फ्रोम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड को किससे बनाना है, अल्काइल हैलाइड से। कहेगा सर जी, तो कुछ तो अजीब सा नहीं आपको लग रहा है। अल्काइल हैलाइड पहले से है भी और फिर अल्काइल हैलाइड ही बनाना ही है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही कुछ है। और इस याद है जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन, मतलब जो हम लोग पढ़ेंगे अभी, यहाँ से क्वेश्चन आता है। कोई भी एग्जाम दीजिए, कॉम्पिटेटिव हो या बिहार बोर्ड हो या फिर मतलब सीबीएसई बोर्ड हो। यहाँ दिए हम लोग सबसे पहले क्या होगा, अल्काइल हैलाइड मतलब एक्स हो गया। एक्स में क्या क्या होता है सर जी, एफ सी एल बी आर और आई, यह चार गो होता है। तो देखिए इन लोगों ने ट्रिक क्या लगाया, लो दो को बीच में रख दिया। मतलब हमारे पास मान लीजिए ऐसे आर एक्स दिया हुआ है, ठीक है। इसका रिएक्शन हम लोग क्या करते हैं, और नीचे वाला बनाना होगा, मतलब एक्स फोर यहाँ सी एल और बी आर होगा, ठीक है। तो सी एल और बी आर होगा, हमको इसको आई में बदलना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लो यहाँ के आई यूज कर देते हैं लो, या फिर एन ए आई। और इसका रिएक्शन किससे कर देते हैं लोग, इंपोर्टेंस ऑफ एसीटोन। तो ये क्या करता है, आई इस सी एल बी आर को हटा देता है और इसके स्थान में खुद आ जाता है। यहाँ मतलब क्या बन जाएगा, आर आई बन जाएगा और प्लस के एक्स हो जाता है। अब यहाँ देखिए हुआ क्या है, एक हाइड्रोजन था और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ के इसको बदल दिया है। तो यह रिएक्शन क्या कहलाता है, हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन कहलाता है। क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन में परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया लो, हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्लियर है। अब यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि सर जी ऐसा क्यों हुआ है, और लॉजिक को ही पूछता है। तो यह एसीटोन में कारण होते हैं, एसीटोन अगर नहीं लिखेंगे तो नहीं होगा। देखा गया कि एसीटोन में इधर से इधर जाते हैं तो क्या होता है, नॉन पोलर होता है जनरली, क्योंकि आई टू ज्यादा नॉन पोलर होता है बी आर टू और सी एल टू और एच टू के कंपेरिजन में। तो जो आई होता है मतलब सोलिडिटी इंक्रीज होता है, सोलिडिटी इन एसीटोन इंक्रीज होता है, जिस कारण से आई इसके साथ आसानी से रिएक्शन कर जाता है। उम्मीद करते हैं यह समझ में आया होगा। और इस रिएक्शन को हम लोग मॉडर्न डे में फिंकेलस्टीन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो कोई आपसे पूछा है कि फिंकेलस्टीन रिएक्शन क्या होता है, तो क्या बताएगा, व्हेन अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड रिएक्ट विथ सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, देन अल्काइल आयोडाइड विल गेट फॉर्म विच इज नोन एज फिंकेलस्टीन रिएक्शन। हिंदी वाले ऐसे लिख सकते हैं लोग, जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में कराते हैं तो अल्काइल आयोडाइड का निर्माण होता है, और यह अभिक्रिया फिंकेलस्टीन अभिक्रिया कहलाती है। दो नंबर में यह क्वेश्चन आता है, इसलिए प्लीज लिख लिया कीजिए लोग। और एक बार बोलने से नहीं लिखाया होगा तो इसको फिर से एक बार बैक करके दोबारा सुन के लिख लीजिएगा, मतलब डिफिनेशन लिख लेना है, हो गया होगा। अब उन लोगों का एक और हाइड्रोजन एक्सचेंज में पढ़ना है। ये मान लिया मैंने यही आर एक्स हो गया, आर एक्स मतलब क्या मिलेगा हमको, सी एल और बी आर मिलेगा। इसका रिएक्शन किससे करेंगे लो, अब तो एफ बनाना है क्योंकि आई तो बना लिया लो। तो ए जी एफ हो सकता है, एस बी एफ थ्री हो सकता है, एच जी टू एफ टू हो सकता है, मतलब इसमें से कुछ भी हो सकता है। के साथ और कराते हैं लो, तो यहाँ क्या बन जाता है, आर एफ बन जाता है प्लस ए जी एफ लिएंगे तो यहाँ ए जी एक्स बन जाएगा, जो होगा उसके साथ बन जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एक्सचेंज हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं लो, हाइड्रोजन एक्सचेंज ही कहते हैं लो। और इसमें इसका स्पेशल नाम क्या हो जाए, स्वार्ट रिएक्शन। तो इसका डिफिनेशन और किसी दे, जहां नाम आता है वहां पे वीवीआई लगा लीजिएगा, यह इम्पोर्टेंट होता है और यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो यह स्वार्ट रिएक्शन क्या होता है, क्या लिखेगा, व्हेन इसका नाम क्या होगा, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड मतलब क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड।
व्हेन अल्काइल हैलाइड अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइन मेनली रिएक्ट विद सिल्वर फ्लोराइड एंटीमनी फ्लोराइड और मर्क्यूरस फ्लोराइड देन अल्काइल फ्लोराइड विल गेट फॉर्म विच इज नोन एज फिंकल स्वार्ट रिएक्शन। हिंदी वाला ऐसे लेंगे, जब अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड की अभिक्रिया AgF SbF3 या फिर Hg2F2 के साथ कराया जाता है तो अल्काइल फ्लोराइड का निर्माण होता है, यह अभिक्रिया स्वार्ज अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है? अब यहाँ देखिए आपको एक समरी कर देते हैं, हो गया होगा समरी क्या कर दिया, जैसे मान लिया CH3 हो गया Cl है, इसका रिएक्शन किसे कर देंगे लोग Ki के साथ, तो क्या बनेगा जी CH3 I बन जाएगा, इम्पोर्टेंस ऑफ एसीटोन। इसी को हम लोग क्या करेंगे लोग AgF के साथ और करा देते हैं लोग, तो क्या बन जाएगा CH3 F बन जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे लोग स्वार्ट रिएक्शन, इसको क्या कहते हैं लोग फिंकेस्ट रिएक्शन। और दोनों को एक साथ हम लोग क्या करेंगे लोग हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है हैलोजन में परिवर्तन हो रहा है तो आई में और बदलता है तो फिंकेस्टिन होगा, एफ में बदलता है तो स्वार्ज होगा, और दोनों एक साथ हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। आइए अब हम लोग सीखते हैं लोग फ्रोम एल्कोहल, एल्कोहल से अल्काइल एड को कैसे बनाया जाएगा। क्लियर है? एल्कोहल से एनसीईआरटी में तो 6 दिया हुआ है, हम लोग भी कुछ 6-7 को पढ़ने वाले हैं लोग, स्पेशल एनसीईआरटी प्लस कॉम्पिटेटिव एग्जाम। देखिए हम लोग मेन आपका यही है कि आपको एलएन आकाश का जितना मॉड्यूल है सबको एक यूनिक टेक्निक ट्रिक्स द्वारा पढ़ाना है, जिससे कि आपको जेई नीट दोनों क्वालिफाई तो आप कर लीजिए, साथ ही साथ आप बोर्ड एग्जाम में भी टॉप कीजिए। और यह काम तभी हो सकता है जब आप रेगुलर मेरा वीडियो देखते रहेगा। आकाश और एलएन का जो मॉड्यूल है डायरेक्ट अगर बताते हैं उसके हेल्प से तो आप अच्छे से नहीं समझ पाएगा, और ऐसे आपको अपने यूनिक ट्रिक्स और पढ़ा के उसके बाद आपको आकाश एलएन का मॉड्यूल कराते हैं तो रियल में आप बेहतर कीजिएगा। तो इसीलिए आप बस देखते रहिए और अपना जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा उस दिन से फिर आकाश एलएन का मॉड्यूल भी आपको कंप्लीट करा देंगे। तो इसके लिए पहले आपको तैयार कर रहे हैं कि आकाश और एलएन का मॉड्यूल अच्छे से समझने लायक आप बन जाए, कहीं भी कोई पढ़ता है आप कॉपी मैच करिएगा बेहतर होगा आपका। ठीक है? तो हम लोगों का फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल में सबसे पहले हम लोग देखना है, जैसे मान लिया आर और एच हो गया, इसका रिएक्शन किससे कराना है जी, अभी हम लोग पढ़े लो HX और यहाँ क्या आ जाएगा HX मिल लिए और यहाँ ZnCl2 इसके साथ में अगर हम लोग कराते हैं तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इन दोनों को मिला करके H2 बाहर निकाल दीजिएगा। ये आप ट्रिक याद रख लीजिएगा, ट्रिक क्या है जी, एल्कोहल कभी भी रिएक्शन करेगा किसी भी एसिड के साथ तो वहां से क्या बाहर निकाल देना है, पानी बाहर निकाल देना है। तो HX मतलब क्या है, जितना में शुरू में H होता है सब एसिड होता है, तो यहाँ से हम लोग पानी बाहर निकाल देना है, पानी बाहर निकल गया यानी कि H2O बाहर निकल गया, तो बच क्या गया जी, यहाँ केवल R बचा है तो R लिख देंगे, और यहाँ क्या बचा है जो X होगा वो बचा है तो RX बन जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ हमसे क्वेश्चन मतलब NCERT में पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि ZnX काम क्या होता है, मतलब ZnCl2 का काम क्या है। सबसे पहले बात यह है क्या करता है, बॉन्ड एनर्जी हो गया, जिसमें R और X के बीच का जो R और OH के बीच का जो बॉन्ड एनर्जी होता है इसको घटा देते हैं, मतलब बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू क्या करता है, डिक्रीज करते हैं। ठीक है? और दूसरा याद क्या रखना है, ओनली 1 डिग्री अल्कोहल के लिए आवश्यकता है, मतलब इससे आपको क्या पता चला कि 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, केवल किस अल्कोहल के लिए आवश्यकता होगा, 1 डिग्री अल्कोहल के लिए होगा। क्लियर है? हमें लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसी में अल्कोहल का अभिक्रिया जब यहाँ NaBr हो गया, ठीक है, इसको किसके साथ रिएक्शन कराएंगे लोग,
NaHSO4 कैसे कराते हैं। तो यहाँ देखिए फिर एसिड मिल गया, तो एसिड मिलते ही आपको क्या पता है कि पानी को बाहर निकाल देना है। और यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ बी आर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3Br आके जुड़ जाएगा, मतलब जो होगा वो आगे जुड़ जाएगा और पर बाहर का निकल जाएगा। यहाँ से एच निकल गया, यहाँ से बी आर निकल, तो एन ए और एन ए है यानी कि Na2SO4 बाहर निकल जाएगा। ये तो बाई प्रोडक्ट दोनों होगा, इसको लिखिएगा तभी भी उतना ही नंबर मिलेगा, नहीं लिखिएगा तभी भी उतना ही नंबर, इसको जरूर नहीं है। मेन प्रोडक्ट हमारा एल्काइल ब्रोमाइड हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, मान लें CH3 हो गया और OH हो गया, मतलब कोई भी एल्कोहल हो सकता है, CH3 C2H5 एल्काइल विनाइल जो मन करो ले सकते हैं। इसका रिएक्शन किससे करा देंगे लोग, PCl3 के साथ, मतलब PCl3 कैसा है, PX3 यहाँ पे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से पूछा क्या बनेगा, तो यहाँ से Na, यहाँ मतलब अभी कोई नहीं, बस यहाँ पे बता रहे ट्रिक बता रहे क्या करना है। यहाँ से देखिए P और OH को एक साथ बाहर निकाल देना है, और इसके लिए थोड़ा सा आप लॉजिक से याद रखिएगा तो ही समझ में आएगा। यहाँ देखिए कितना Cl बाहर निकलना है, 3 गो, यानी एक CH3 कितना Cl से जुड़ सकता है, केवल 1 गो से, क्योंकि एक ही वैलेंस खाली है। तो 3 गो Cl के लिए कितना CH3 चाहिए, 3 गो, 3 गो CH3 हम लोग लिख देंगे लोग, और तीनों से एक Cl जोड़ देंगे, 3 हो गया, यानी कि कितना हो गया, 3 गो। तो यहाँ OH निकला कितना हो गया, ये भी 3 गो हो गया, तो ये भी 3 गो निकला है। तो पी और इसे 3 गो OH ला करके जोड़ देंगे लोग, पी OH छोलता है, गया। इसको और अच्छे से लिखिएगा, देखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं, पी इसको गुना करेंगे तो कुछ नहीं तो 1 होगा, तो वो 3 हो गया, और फिर यहाँ 1 है तो ये भी क्या होगा, H3 हो जाएगा। लेकिन H हमेशा पॉलर लिखा जाता है, तो इसीलिए क्या कर देंगे, इसको पॉलर लगा ले देंगे, H3PO3 हो जाएगा। तो नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार समझ लीजिएगा, मान लीजिए आप लोगों का दिया पी CH3 मान लीजिए OH के साथ रिएक्शन कराया लोग PBr3 के साथ, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, तो यहाँ 3 गो बी आर है तो पहले इसको 3 गो बना लेंगे, तो 3 CH3 यहाँ Br जोड़ देंगे, प्लस क्या आ जाएगा P के साथ कितना OH जुड़ जाएगा, 3 गो, अब यहाँ जोड़ेंगे तो ये फिर यह बन जाएगा, इसको जब सजा कर लेके देंगे तो क्या आ जाएगा, H3PO3 हो जाएगा, क्लियर है। तो हम लोग अभी तक 3 गो देख लिए लो, आइए चौथा देखते हैं लोग, चौथा क्या होगा, जिसमें यही हो गया आपका CH3OH हो गया, इसका रिएक्शन किसे करा दीजिएगा, X2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड पी, ये फास्फोरस जो होता है उसका मेनली 4 आइसो मतलब 3 आइसोटॉप्स होता है, रेड होता है, व्हाइट होता है, ब्लैक होता है। तो यहाँ से अभी कौन सा फास्फोरस लेके चल रहे हैं लोग, रेड वाला लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो बस यहाँ भी क्या कीजिएगा, यहाँ से एक गो H2X के साथ में निकल जाता है बाहर, और एक गो O बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ बनता है क्या, मेन प्रोडक्ट और बनाना चाहिएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3X हो जाएगा, क्लियर है। तो याद है किसी भी मतलब में रिएक्शन हो, C2H5OH हो, इसका X2 के साथ रिएक्शन कर देंगे लो रेड पी के प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा, C2H5 और यहाँ X हो जाएगा, X2 लिखा गया था, तो आपको पता है कि मैंने Cl2 और Br2 ही होगा, क्लियर है। आइए हम आपको एक जादू सिखाने वाले हैं, अभी जादू मतलब कुछ ऐसे हो गया रिएक्शन ऑफ PCl5 और एक बार पढ़ेंगे लो रिएक्शन ऑफ SOCl2, ये दोनों रियल में क्या होगा, एक जादू होगा, मतलब आपको बताएंगे किसी का भी रिएक्शन अगर PCl5 के साथ कराना हो या फिर SOCl2 के साथ कराना हो, तो पीछे वाला किसी का जरूर नहीं लगेगा, एकदम एक यूनिक अपना ट्रिक है, उसे आप आराम से बना सकते हैं, क्लियर है। यदि आपको जादू क्या जी PCl5 किसी के साथ रिएक्शन करता है, तो आंख बंद करके आपको पहले क्या करना है, POCl3 बना लेना है, विथ SOCl2 किसी के साथ रिएक्शन करता है, तो यहाँ आंख बंद करके क्या कर देना है, यहाँ पे लेते हैं SO2 बना लेना है। सर हमने क्या सीखा लो कि PCl5 किसी से रिएक्शन करेगा तो पहले क्या बना लेना है, PCl3 बना लेना है, और SOCl2 किसी से रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेना है, SO2 बना लेना है। एग्जाम्पल में सर ये पहले हम लोग समझते हैं, मान लीजिए हमें दिया CH3OH हो गया, इसका रिएक्शन किसे कराना है, PCl5 से कराना है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, पहले आंख बंद करके क्या कर लेंगे, POCl3 लिख देंगे, और यही हमें तो दिया था CH3OH हो गया,
इसका रिएक्शन SOCl2 के साथ कराना होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख देंगे, आपको बंद करके SO2 इतना लिख देंगे। इतना तो काम उम्मीद है कि हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या निकल गया, इसमें ऊपर देख लीजिए, तो PCl5 में से यहाँ Cl3 है, यानी कि यहाँ 2 Cl और बचा होगा हमारे पास। यहाँ देखिए वो तो यहाँ से गया होगा इसके पास, तो निकल गया, तो यहाँ क्या बचा है, केवल CH3 और H बचा हुआ है, और यहाँ 2 Cl बचा हुआ है। तो यहाँ देखिए यहाँ H जो है किससे जुड़ा हुआ था, ओर से, तो वही याद रखिएगा, जितना हेडफोन होगा उतना HCl बना देना है। हेडफोन मतलब जितना संख्या में हाइड्रोजन FON से जुड़ा होगा उतना HCl बनेगा। दे यहाँ कितने हाइड्रोजन जुड़ा था, उससे एक ही हाइड्रोजन, नहीं तो ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो एक HCl बना देंगे लोग। अब एक हाइड्रोजन भी इसके साथ निकल गया, तो एक Cl बचा है, एक CH3, दोनों को ला करके लिख देंगे, CH3Cl हो जाएगा। यहाँ भी सेम वही होगा, एक हाइड्रोजन हेडफोन से जुड़ा हुआ है तो क्या कर देंगे लोग, एक HCl बना देंगे लोग, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, CH3Cl हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यह ट्रिक आपको रियली बहुत यूनिक लगा होगा, और ऐसा हम लोगों के पास पूरा केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक से लेकर फिजिकल इन्वेंट सबके लिए बिल्कुल ऐसा ही ट्रिक मिलेगा। बस उसके लिए आपको रेगुलर क्लास ज्वाइन करना होगा। तो अभी हमने कैसे कर लो कि जब भी आप किसी का रिएक्शन PCl5 या SOCl2 के साथ कराना है, तो बिना टेंशन परेशानी के क्या कर देना है, सबसे पहले POCl3 बना लेना है और SO2 बना लेना है। उसके बाद देखना है कि उसमें हेडफोन से जुड़ा हुआ कुछ है कि नहीं है, और हेडफोन से जुड़ा हुआ कुछ होगा, जितना संख्या में हेडफोन मिल जाए उतना HCl बना लेना है, और जो बचा होगा उसको चुपचाप लाकर लिख देना है। आइए हम लोग ऑल अलग अलग आपको बताते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा, CH3 जिसमें एल्डिहाइड हमारा हो गया, इसका रिएक्शन हम लोग किससे कराना है, एक बार तो PCl5 से कराना है और एक बार SOCl2 से कराना है। ठीक है, हम लोग का बुक में SOCl2 इंपॉर्टेंस ऑफ पिरिडीन दिया हुआ है, तो याद रखिएगा, पिरिडीन हो या ना हो उससे प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं होता, बस एक चेंज होगा, केवल कॉन्फ़िगरेशन का चेंज होता है। मतलब SOCl2 केवल होगा तो R बनाता है, तो और यह दिया होगा तो S बनाएगा। तो उतना हम लोग का डीपली नहीं जानिए लोग, बस इतना जानिए कि दोनों से प्रोडक्ट बिल्कुल सेम होता है और दोनों एक साथ मिल जाएगा, तो इसको हम लोग डार्जन सीजन के नाम से जानते हैं लोग। और ये हमेशा सीन प्रोडक्ट देते हैं, सीन प्रोडक्ट का मतलब यह होता है कि रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन R है तो प्रोडक्ट का भी कॉन्फ़िगरेशन R ही होगा, रिएक्टेंट अगर S है तो प्रोडक्ट भी S ही होगा। तो ये सब मिल जाएगा, आप लोग ऐसे सीख लीजिएगा लोग, बस इतना याद रखिएगा दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, तो हमसे अभी आपको क्या होता है, PCl5 देखिए तो क्या बना लीजिए जी, POCl3 बना लीजिए, SOCl2 देखिए तो क्या बना लीजिए सर जी, SO2 बना लीजिए, हो गया। अब जी हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से, मैंने हेडफोन नहीं है, यह हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से, यानी कि यहाँ देखने को क्या मिला, एक भी हेडफोन नहीं है। जब हेडफोन नहीं है तो HCl तो बनेगा नहीं, तो अब जो बच गया उसको लिख लीजिए। अब यहाँ देखिए वो तो इसके साथ चले गया है, यहाँ भी एक वो है तो एक यहाँ से होगा, नहीं दोनों वो निकल गया, तो बचा क्या है, यहाँ CH3 है तो CH3 ले देंगे, सी हो गया और फिर यहाँ H हो गया, Cl कितना बचा होगा, 2 तो एक Cl नीचे लिख देंगे, एक ऊपर, यहाँ एक SOCl2 में कितना Cl बचा होगा, 2, तो यहाँ भी सेम ही प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं लोग, कीटोन। यहाँ PCl5 के साथ रिएक्शन कराना है और फिर SOCl2 के साथ कराना है, तो आपसे पूछे थे यहाँ भी क्या है, यहाँ भी देखिए यहाँ देखेंगे लो, तो यहाँ सबसे पहले मेरा काम क्या है जी, POCl3 बना लेना है, यहाँ काम क्या है, SO2 बना लेना है। अब यहाँ देखिएगा तो सबसे पहले जो बचा है उसको लिख लिए, CH3C, यहाँ CH3, क्योंकि वो तो निकल के चला गया इसके साथ और इसके साथ, अब देखिए यहाँ तो और कुछ नहीं बचा है, यहाँ क्या बचा है, दोनों Cl बचा हुआ है, यहाँ 5 में से 3 हो गया है तो यहाँ भी 2 Cl बचा होगा, तो यहाँ दोनों Cl इसी कार्बन की वैलेंसी खाली है तो यहाँ दोनों Cl जोड़ देंगे लोग, तो यहाँ सब क्या बन रहा है, जेमिनल डायहैलाइड हो गया।
अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब क्या पढ़ लिए, एल्कोहल पढ़ लिए, कीटोन पढ़ लिए, एल्डिहाइड पढ़ लिए। अब थोड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में भी सीखते हैं हम लोग। यह हमें दे दिया इसके रिएक्शन किसे कराएंगे लोग, PCl5 के साथ। इसी के रिएक्शन किसे कराएंगे लोग, SOCl2 के। तो ये बताए किसी से कराना है, क्या को टेंशन है, एक बार यह बना लेंगे लो और एक बार यह बना लेंगे लो, हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है सर जी, तो उसके बाद हम लोगों ने क्या देख लो कि यहां से तो वो निकल गया। अब यहाँ देखना है हेडफोन है कि नहीं है। देखिए हाइड्रोजन तो वो से जुड़ा हुआ है, तो हेडफोन है तो ये HCl बन जाएगा, यहाँ भी ये HCl बन जाएगा। अब क्या करना है, अब बचा है उसी को तो लिखना है ना, तो यहाँ क्या बच जाएगा, CH3। यहाँ देखिए यहाँ वो निकल गया, H निकल गया, तो ये दोनों निकल गया, वो बचा हुआ है, तो सी डबल बॉन्ड वो लिख देंगे। यहाँ से क्या बचा हुआ है, दो को CL था, तो एक को CL तो H के साथ निकल गया और एक को CL बचा है, तो यहाँ CL लिख देंगे। इसका मतलब क्या बन जाएगा, एसिड क्लोराइड बन जाता है। जो बचा हुआ है उसी को लिखना है। एक और देखते हैं लोग, एसिडेमाइन। तो इसके लिए क्या करेंगे लोग, इसके रिएक्शन किसे करेंगे लोग, PCl5 से। और एक बार कैसे करेंगे लोग, SOCl2 के साथ। तो क्या बनेगा जी, तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखे लो कि PCl5 है, तो पहले POCl3 बना लेंगे लो। यहाँ पहले क्या बना लेंगे, SOCl मतलब SO2 बना लेंगे लो। यहाँ कितना Cl बाहर निकला होगा, दोनों Cl। यहाँ कितना, पांच में से तीन गो है, तो यहाँ भी दो गो बाहर निकला होगा। इसके बाद का काम क्या है, हेडफोन देखना है। तो यह हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है, नहीं होगा। हेडफोन मतलब हेड FON, हाइड्रोजन किससे जुड़ा हो, F से, O से और N से। तो यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ N है, ऐसे दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो यहाँ कितना HCl बनेगा, इस पर दो HCl। तो यहाँ दोनों Cl किसके साथ चल जाएगा, H के साथ। 2 moles of HCl, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 moles of HCl बन जाएगा। अब बच्चा क्या है, यहाँ देखिए यहाँ से H निकल गया और यहाँ से वो निकल गया, तो यहाँ बच क्या गया, कुछ ना, CH3C। और यहाँ क्या बच गया, वो तो इसके साथ में चला गया है और इसके साथ में चला गया है। Cl तो यहाँ मतलब H किसके साथ में चला गया, Cl के साथ में, तो बस N बचा था, C और यहाँ से N बचा था। तो यहाँ भी लिख देंगे C और N। यानी हमको पता है कार्बन की वैलेंसी कितना होता है, चार को, तो इसका वैलेंसी दो को है, दो को बचा हुआ है, एक दो को। इसका तीन कितना होता है, तीन को, तो इसका भी एक और एक दो बचा होता है, यहाँ ट्रिपल बन हो जाएगा। सेम यहाँ भी ट्रिपल होना है, तो इसका नाम क्या होता है, साइनाइड। तो उम्मीद करता हूँ कि यह आपको ट्रिक बेहतर पसंद पड़ा होगा। आइए इसको हम समरी एक बार कर देते हैं जी। सबसे पहले हमें क्या पढ़ा, चलो ROH का मतलब पढ़ा चलो, ठीक है। इसका रिएक्शन किससे पढ़ा लो, PCl5 या SOCl2 का सर। तो मेन प्रोडक्ट डायरेक्ट लिखना था, मेरा प्रोडक्ट क्या बना था, RCl बना था। ये मेरा किससे होगा, एल्डिहाइड से होगा। सेम इसी के साथ में तो क्या बना था, यहाँ दोनों हाइलोजन ऊपर नीचे जोड़ दिए थे लो। उसके बाद फिर क्या हो गया, RC डबल बॉन्ड और RS हो गया। ऑर्गेनिक एक रियल में यूनिक ट्रिक है, और सही से पढ़ते हैं तो मजा आएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत परेशानी होगी। यहाँ दोनों Cl जुड़ा हुआ था, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, इसका भी रिएक्शन इसके साथ के दौरान क्या बन गया था, RC डबल बॉन्ड OCl। और उसके लास्ट वाला हम लोग देखे लो, जब एमाइड होगा रिएक्शन इसी के साथ करेंगे तो क्या बन गया था, RC(NNN) बन गया। यह मेन प्रोडक्ट एक बार स्लाइड में इसी तरह से सब एक जगह लिख लेना लो, और इसको अच्छे से याद रखना है, बस इसको रिविजन कीजिएगा लो, अपने ट्रिक से बनाइएगा लो। आई होप कि आपको यह बेहतर तरीके से याद हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ऐसी तरह से सभी लेक्चर देखने के लिए अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें और खुद भी रेगुलर देखें। ओके, थैंक यू।